तो फ्रेंड ये जो मोबाइल देख रहे हैं वीवो का, ये करीबन मैं 3 महीना पहले मैं अपने एक फ्रेंड के लिए ख़रीदा था। तो ये पूरे 3 महीना बाद फिर से मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ कि ये मोबाइल कैसा चल रहा है अभी तक। ये वीवो T1 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है, और इसका जो चार्जर है 44 वाट का चार्जर मिला था। और यहाँ पे जो ये कैमरा है, ये 50 MP का कैमरा है, और इसमें फ्रंट में भी यहाँ पर कैमरा था। और इसमें जो है, यहाँ पर जो लॉक सिस्टम है फ्रंट में दिया गया है, फिंगर लॉक जो है यहाँ पर ऐसे खुल जाता है। तो ये मोबाइल जो है बिल्कुल ही सही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही मोबाइल चल रहा है। ये 3 महीना बाद मैं फिर से इस वीडियो का रिव्यू दे रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, इसमें क्या क्या सिस्टम दिया गया है। तो फाइनल मैं ये 3 महीना बाद इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि अभी तक ये मोबाइल कैसा चल रहा है। तो किसी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही सही चल रहा है मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं इस तरीका का, वीवो T1 या फिर इससे भी लेटेस्ट वर्जन में आ गया है, T1X आया हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हैं। T1X आया हुआ है वो भी आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। अगर हम इसके कैमरे का क्वालिटी देखेंगे तो आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो ब्लू कलर है उसको कैसे क्लीन करके एकदम ब्लू दिखा रहा है। और यहाँ पर जो कलर में यहाँ पर एक फ़ोटो है उसका भी आप फोटो देख सकते हैं किस तरीके से एकदम क्लीन आ रहा है। तो इसको मैं अगर ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ तो ये वीडियो का क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो यूट्यूब के लिए तो ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है।